होने के बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जब हम वोट देता है चुनने के लिए देता है, इस बार लोग तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दे ही रहे, उसके साथ ये 10 साल की और 5 साल की खास करके NDA 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 100 सुनार की और एक लोहार की जो कहावत है ना, आज वो लोहार का दिन है और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप देखना जवाब करारा मिलेगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। पर जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जब हम वोट देता है तो चुनने के लिए देता है, इस बार लोग तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दे ही रहे, उसके साथ ये 10 साल की और 5 साल की खास करके NDA 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। उसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए, आने वाला टाइम में आप देखेंगे 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। अभिषेक जी, आपने कहा बार बार कि जब एक कॉमन वोटर जो है वो वोट देने के लिए जब जाए बूथ पर, तो याद रखें कि 72 घंटे के भीतर मोदी सरकार गिर रही है। आप एक कॉमन वोटर के तौर पर पहुंचे यहाँ पर वोट देने के लिए, आपके मन में क्या है? भाई, मेरा मन में यही है कि जो मैंने ग्राउंड में देखा, मैं 3 महीना ग्राउंड पे रहा हूँ और मेरा जितना समझ है मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रिजेंटमेंट मुझे लोगों में देखने को मिला, क्योंकि आप अगर 3 साल लगातार 2021 के बाद खास करके बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 21 से लेके आज 24 का मई महीने तक, ये 3 साल में BJP हैज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सब्सटैंशियल रिलीफ टू द पीपल ऑफ बंगाल। उल्टा उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि हार गए तो फंड रोक दिए, हार गए तो लोगों को सबक सिखाने का राजनीति शुरू कर दिए। आज लोगों का सबक सिखाने का दिन है। 100 सुनार की और एक लोहार की जो कहावत है ना, आज वो लोहार का दिन है। उसने 5 साल तक हथौड़ा मार मार के लोगों के ऊपर अत्याचार किया BJP के सरकार ने। आज लोगों का जवाब देने का दिन है और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप देखना जवाब करारा मिलेगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स।